क्या पति के पाप करने पर पत्नी को भी उसका पाप फल भोगना पड़ता है, या फिर पत्नी के पाप करने पर क्या पति को उसका पाप फल भोगना पड़ता है? अगर आप विवाहित हैं तो आपके मन में भी यह सवाल कभी न कभी आया ही होगा। मित्रों, विवाह के बाद पुरुष के अर्थात पति के पुण्य फल का आधा भाग स्त्री को अर्थात पत्नी को मिलता है, जबकि स्त्री अर्थात पत्नी के पाप का आधा भाग उसके पति को मिलता है। तो दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में वर और कन्या के विवाह के समय कन्या अर्थात वधू अपने वर से 7 वचन मांगती है एवं वर वधू से 5 वचन मांगता है। लेकिन बहुत से लोगों का विवाह तो हो जाता है लेकिन कन्या के द्वारा वर से 7 वचन क्या मांगा जाता है एवं वर द्वारा कन्या से 5 वचन क्या मांगा जाता है, यह उन्हें पता ही नहीं होता। वधू द्वारा वर से पहला वचन इस प्रकार है, यदि यज्ञं कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मतिं गृह्णीयात्। अर्थात यज्ञ एवं यज्ञ की ही तरह और भी कार्य एवं कोई भी शुभ कार्य मेरी सम्मत से करेंगे। दूसरा वचन वधू वर से मांगती है, यदि दानं कुर्यात् तस्मिन्नपि मम सम्मति गृह्णीयात्। अर्थात यदि आप किसी भी तरह का दान करते हैं तो वह भी आप मेरे सम्मत से करेंगे। तीसरा वचन अवस्थात्रय मम पालनं कुर्यात्। अर्थात युवा, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में आप मेरा पालन पोषण करेंगे। चौथा वचन जो वधु अपने वर से मांगती है वह है, धनादि गोपने मम सम्मतिं गृह्णीयात्। अर्थात गुप्त रूप से धन आदि का संचय आप मेरी सम्मत से करेंगे, ऐसा वधु अपने वर से वचन मांगती है। फिर पांचवा वचन गवादि पशु क्रय विक्रय मम सम्मतिं गृह्णीयात्। अर्थात गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं एवं जो वर्तमान में वाहन है उनके क्रय विक्रय अर्थात उनके खरीदने एवं बेचने में मेरी सम्मति लेंगे। छठवां वचन वसंतादि षट ऋतु मम पालनं कुर्यात्। अर्थात वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर, इन छठों ऋतुओं में अर्थात पूरे वर्ष आप मेरा पालन करेंगे। फिर सातवां और आखिरी वचन सखी से मम हास्यम कटुवाक्यम न वादेत न कुर्यात्, तदहम भवताम वा मांगे आगच्छामि। अर्थात वधु अपने वर से सातवां वचन यह मांगती है कि मेरे साथ की मेरी सखी सहेलियों के सामने मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे और ना ही मुझे कभी कोई कटु वचन बोलेंगे, तभी मैं आपके वामांग में विराजित होंगी। इस प्रकार से वधु अपने वर से यह 7 वचन लेती है। फिर वर वधु से 5 वचन मांगता है और वह इस प्रकार है, उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने आज्ञा भंगो न कर्तव्य वर वाक्य चतुष्ट कयम। अर्थात वर वधु से कहता है कि निर्जन स्थान अर्थात एकांत स्थान, जहाँ कोई न हो, उद्यान अर्थात बगीचे में, वन में अर्थात जंगलों में एवं इसी तरह के आदि स्थानों में मेरी आज्ञा के बिना नहीं जाओगी, एवं जहाँ शराब पीने वाले लोग रहते हैं एवं शराब पीने वाले मनुष्य के सामने नहीं जाओगी, एवं विवाह के बाद अपने पिता के घर भी बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाओगी, एवं धर्म और शास्त्रोचित मेरी आज्ञा का हमेशा पालन करोगी और मेरी आज्ञा कभी भी भंग नहीं करोगी, तब तुम मेरे बाएं अंग में विराजमान होगी और मेरी पत्नी बनोगी, ऐसा वर वधू से वचन मांगता है। तो दोस्तों, जब वह पाणि ग्रहण करते हैं तो उस समय वह वर वधू एक मित्र के समान होते हैं, लेकिन पति पत्नी होने के बाद पति पत्नी का शरीर भले ही दो होता है लेकिन उनके कर्म एक होने चाहिए। पति पत्नी जो भी कार्य करें तो नियम के अनुसार दोनों आपस में सलाह करके कार्य करें और वह कार्य धर्म और शास्त्रोनुचित होने चाहिए अर्थात पुण्य कर्म होने चाहिए। और हर पति पत्नी को चाहिए कि धर्म और पुण्य के प्रताप से अच्छे कर्म करते हुए गृहस्थ को चलाना चाहिए और भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, इसी में उनका कल्याण होगा। कोई भी मनमानी पापाचरण नहीं करना चाहिए, पति के बिना आज्ञा के पत्नी को कहीं भी घूमने नहीं जाना चाहिए,
यहाँ तक कि पति के बिना आज्ञा के पत्नी को अपने पिता के यहाँ अर्थात अपने मायके तक नहीं जाना चाहिए एवं राज दरबार में नहीं जाना चाहिए एवं जहाँ कोई व्यक्ति शराब पिए हुए बैठा है यह शराब गृह अर्थात जहाँ शराब बिकती हो वहाँ भी पत्नी को नहीं जाना चाहिए। इसी तरह पत्नी के बिना अनुमति के पति को भी कोई भी धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए अर्थात दोनों की पति पत्नी के सहमति से ही कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहिए। पति पत्नी का शरीर भले ही अलग अलग है अर्थात वह दो हैं लेकिन विचार एक होने चाहिए उनकी रुचि भाव एक होनी चाहिए। लेकिन अगर पति पत्नी में यह सब नहीं है शरीर की ही तरह अगर मन विचार भाव भी अलग अलग हैं तो फिर आप पति पत्नी हैं ही नहीं ऐसा शास्त्र और पुराण कहते हैं। अगर आप वास्तव में पति पत्नी हैं तो जो भी सत्कर्म एवं त्रुटि होगी वह दोनों के सलाह से होनी चाहिए। उदाहरण से समझिए जैसे मनुष्य की दो आँखें हैं लेकिन देखने का लक्ष्य एक ही तो होता है दोनों आँखें एक ही लक्ष्य को देखती हैं ऐसा तो नहीं है कि दाईं आँख कुछ और देखती है और बाईं आँख कुछ और देखती है वह भले ही अलग अलग आँखें हैं लेकिन देखती एक ही समान है। वैसे ही पति पत्नी होते हैं भले वह दो शरीर हैं लेकिन उनके कर्म एक होने चाहिए। मित्रों पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है अर्थात आधा अंग तो विवाह के बाद आधा अंग पति का और आधा अंग पत्नी का तब होता है पूर्ण अंग। मित्रों जैसे किसी गाड़ी के दो पहिए हैं और कहीं जाना है तो उसका लक्ष्य एक ही तो होता है। अब अगर एक पहिया दाएं तरफ भागे और दूसरा पहिया बाएं तरफ भागे तो वह गाड़ी अपने लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाएगी। पति पत्नी भी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं दाम्पत्य जीवन में अर्थात गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को शास्त्र सम्मत चलने को कहा गया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह संसार पति पत्नी के लिए सुखमय हो जाता है। हर पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना अनिवार्य बताया गया है और इसी तरह हर पति को अपने ही पत्नी में रुचि रखने को कहा गया है। शास्त्रों में सांसारिक भाव अर्थात काम भाव मात्र अपने पति में पत्नी को और पत्नी में पति को बताया गया है। अगर इसके विरुद्ध वह कार्य करते हैं अर्थात अगर पति किसी दूसरे की स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करता है अर्थात व्यभिचार करता है दूसरे की स्त्री के ऊपर बुरी नज़र रखता है या फिर इसी तरह अगर पत्नी पर पुरुष अर्थात अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष पर बुरी नज़रें रखती है और दूसरे पुरुष के साथ काम क्रीड़ा करती है तो गरुण पुराण के अनुसार उसके मृत्यु के बाद प्रेम के दूत उन्हें वस्त्रहीन करके भयंकर खौलते हुए आग के अंगारों में गर्म लोहे की सरिया को मुख में डालते हैं और उन्हें घोर नरक मिलता है एवं ऐसे लोगों को 170 जन्म तक गंदी नाली का कीड़ा बनकर पाप कर्म का भोग करना पड़ता है एवं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब मनुष्य जन्म पुनः मिलता है तब वह माँ के गर्भ से जन्म लेते ही संपूर्ण जीवन बुद्धि भ्रष्ट एवं पागल होता है एवं वह जब तक जीवित रहता है वह माता पिता के लिए बोझ होता है एवं पशुवत व्यवहार करता है। शास्त्रों एवं पुराणों में ऐसे लोगों को भयंकर नरकगामी बताया गया है। अब कुछ लोग तर्क करते हैं कि मरने के बाद तो शरीर यहीं छूट जाता है और आत्मा ही बचती है और आत्मा अमर है उसे न कोई मार सकता है ना ही आत्मा जन्म लेती है और ना ही उसे कोई पीड़ा पहुंचा सकता है तो फिर यमदूत आत्मा को यातना अर्थात कष्ट कैसे देते हैं। तो उन्हें मैं बता दूं जिस प्रकार तमाम पाप और पुण्य कर्म फलों को भोगने के लिए विधाता इस पृथ्वी लोक में आत्मा को मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं उसी तरह मृत्यु के बाद इन लोक में आत्मा को दंड देने के लिए भी शरीर को प्रदान किया जाता है जिसमें वह शरीर ना तो मरता है ना ही कटता है बस असंख्य पीड़ा एवं यातनाओं को उसे सहना पड़ता है ऐसा पुराणों में बताया गया है। इसलिए प्यारे सावधान होश में हो जाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए बहुत तपस्वी ज्ञानी विद्वान हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति में अपना समस्त जीवन न्योछावर कर दिया और वो सब परम पद श्री हरि के धाम वैकुंठ गए। वो सभी मूर्ख नहीं थे। आज का कलयुगी अज्ञानी मनुष्य उन पर भी तर्क करता है। अच्छे कर्म करो भगवान का नाम जाप करो इसी से कल्याण होगा। आज का वर्तमान समय इतना भयानक है
कि अब छोटी छोटी अवस्था में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ऐसा ट्रेंड चल गया है और वह विलक्षणी क्या क्या कर रहे हैं। माता पिता भी ध्यान नहीं दे रहे, आप ही विचार करिए, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले, इनमें कभी पतिव्रत धर्म आएगा? ये तो घोर नरक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ग्रंथों की बातें बस लिखी की लिखी ही रह जा रही हैं। मित्रों, जैसे पवित्र वस्त्र पहनकर ही यज्ञ किया जाता है, वैसे ही यह आपका शरीर भी एक वस्त्र ही है और इसको तब तक पवित्र रखना है जब तक दाम्पत्य जीवन का संकल्प ना बन जाए। लेकिन आज के विवाह भी कैसे कैसे हो रहे हैं। विवाह हुआ, 2 महीने बाद पति ने पत्नी से कहा तुम मुझे पसंद नहीं हो, या फिर पति को पत्नी ही छोड़कर चली जा रही है। एकदम पशुवत व्यवहार हो रहा है, पशुओं जैसा आचरण, पशुओं जैसा व्यवहार। मेरे प्रियजनों, अभी भी समय सही है, संभल जाओ, अभी कलयुग की शुरुआत है। शास्त्र कहते हैं कि आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा। बेटी बहन आने वाले समय में घर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। अभी तो लोग भगवान को मानते भी हैं, पूजा पाठ भी होता है, धर्म कर्म पुण्य परोपकार भी किया जाता है। अभी समय है, भगवान का नाम जाप करो और अपना कल्याण कर लो। आने वाला समय बहुत ही भयंकर विनाशकारी होगा। सब माया के अधीन होकर कुकर्म करेंगे, फिर मौका नहीं मिलेगा। गृहस्थ में रहते हुए, सभी काम करते हुए थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान का नाम जाप करिए, आपका मंगल हो जाएगा, सभी पाप कट जाएंगे। पति को अपने पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य, अपना धर्म का पालन करना चाहिए और पत्नी को भी पति के प्रति अपने कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। एवं साथ में ही पत्नी को चाहिए कि पति के माता पिता अर्थात सास ससुर को अपने माता पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करें। एवं सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी मानकर प्रेम दुलार करें। जिस घर में ऐसे संस्कार हैं, वह घर स्वर्ग के समान सुखदायक होता है। मेरे प्रियजनों, ध्यान रहे, जिस तरह पति पत्नी गृहस्थ रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं और 1 पहिए के खराब होने से गृहस्थ रूपी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, 2 पहियों में से अगर 1 भी पहिया खराब हुआ तो फिर गृहस्थ रूपी गाड़ी समेत 2 पहिए को भी जिस तरह हानि उठानी पड़ती है, उसी तरह पति के पाप और पुण्य में पत्नी का भी आधा हिस्सा होता है और पत्नी के भी पाप और पुण्य में पति का आधा हिस्सा होता है। क्योंकि पाणि ग्रहण के बाद, विवाह के बाद, दोनों का शरीर भले अलग अलग है लेकिन फिर भी उन्हें मन और आत्मा से एक ही माना जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पति और पत्नी के कर्म, विचार और भाव एक होने चाहिए और वह भी धर्म पुण्य एवं शास्त्रोचित होने चाहिए। तो मित्रों, एक बार कमेंट में प्रेम से लिख दीजिए, जय श्री हरि, नारायण नारायण।